एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। इस चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर लाया हूँ CHSL का GKGS का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GKGS का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति के निर्माता कौन है? तो सफ़ेद क्रांति के जो निर्माता हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध के अवधारणा को लागू किया था? तो 17वीं सदी में गुरिल्ला युद्ध को अवधारणा को लागू करने वाले शिवाजी थे। इन्हें छत्रपति शिवाजी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का कौन सा परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? यानी कि किस स्फेयर में, यानी कि कौन से परत पर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण भी होता है और उसका बिखराव भी होता है? वो है स्ट्रेटोस्फेयर। उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, एक परत है वायुमंडल का, इसमें पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि नो तबैको डे बनाया जाता है 31 मई को, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है, तो अनुच्छेद 60 में किसका संदर्भ किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन है और आगे अगले पेज में देखते हैं, राष्ट्रपति का शपथ। तो बिल्कुल राष्ट्रपति का शपथ बिल्कुल करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका दूसरा बनेगा, यानी कि अनुच्छेद 60 में जो है वो किस संदर्भ क्या संदर्भित क्या है? तो राष्ट्रपति का शपथ, यानी कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिलाने के संदर्भ में बात बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक सूचकांक किस रेंज को खतरनाक माना गया है? बोला गया कि प्रदूषण किसका कितना से कितना तक के रेंज को खतरनाक माना गया है? तो 300 से 500, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो वायु प्रदूषक सूचकांक जो है वो 300 से 500 के बीच खतरनाक माना गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्तियों को अपने से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का, यानी बोल रहा है कि किस राज्य के पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्तियों को अपनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया है? वो है गुजरात स्टेट के पुलिस विभाग ने जो अपहृत व्यक्ति होती है वो अपने से मिलाने का कार्य करते हैं, शुभारंभ किया, तो वो है गुजरात। भारत का राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? तो ये स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो राष्ट्रीय आय को तैयार करता है। तो राष्ट्रीय आय को तैयार करने वाला होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? सरल आवर्त दोलन गति का एक उदाहरण हो सकता है। तो इसमें दोलन है, सरल दोलन गति ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो कौन बोल रहा था कि सरल आवर्त गति का उदाहरण है? तो सरल आवर्त गति का उदाहरण सरल दोलन गति होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया? वो है 42वां संशोधन। तो यहाँ 40वां है, 41वां है, यहाँ 42वां और 43वां। तो राइट आंसर इसका बनेगा 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर पहला होगा, यानी कि माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का एक तरीका है? तो कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, यहाँ से वहाँ तक भेजने का कार्य करता है, वो प्रोसेस का नाम है कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो आत्मकथा है वो टुवर्ड फ्रीडम है, टुवर्ड फ्रीडम है जवाहरलाल नेहरू का है, वो आत्मकथा लिखे थे जेल में। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिश इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन है? तो टीम बूटोन उनका नाम था, जो एलिश इन द वंडरलैंड के निर्देशक थे, तो वो है टीम बूटोन, ऑप्शन नंबर दूसरा सही। क्वेश्चन है, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो जी हाँ, 1815 में आयोजित होने वाली जो कलकत्ता की सभा का नाम था आत्मीय सभा, उसके संस्थापक थे राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो भारत में जो संविधान सभा
में कामकाज का प्रारंभ जो हुआ 1946 में हुआ, यानी कि आजाद हुआ 1947 में, लेकिन उसके एक साल पहले यानी कि 1946 में संविधान सभा में कार्यकाज शुरू हुआ था 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड के जैसा होती है? तो एथेनोइक एसिड के जैसा किस पदार्थ का गंध होता है, वो है विनेगर, सिरका। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी कि विनेगर का जो गंध है बिल्कुल एथेनोइक एसिड के जैसा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जो लोगो का कर्सर का क्या नाम दिया गया है? तो कंप्यूटर भाषा जो लोगो है उसके लिए उसका कर्सर का क्या नाम दिया गया है? तो कर्सर का नाम है टर्टल, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यानी कंप्यूटर भाषा जो लोगो है उसके कर्सर का नाम है टर्टल, ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। निम्न में कौन सा मिट्टी का अध्ययन है? तो मिट्टी का अध्ययन याद रख लीजिए पेडोलॉजी, यानी कि ऐसे ही उसको याद रखिए कि जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, अधिकांशतः पेड़ पौधे तो मिट्टी में उगते हैं, इसलिए मिट्टी का मतलब मिट्टी का अध्ययन और पेड़ों का मतलब पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, तो इसे याद रखिए मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो वो है अभ्रक, क्योंकि सब जो है कार्बन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये अभ्रक जो है हाइड्रोकार्बन में नहीं आता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक गैस में जैसे कि मीथेन वगैरह, और कोयला में तो हाइड्रोकार्बन होगा ही होगा, पेट्रोलियम में भी होगा, लेकिन अभ्रक में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्थव्यवस्था की मांग की कमी होती है तो क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी हो जाती है तो स्टैग्नेशन होता है, स्टैग्नेशन का मतलब निष्क्रियता होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होता है। ये निष्क्रियता कब होती है? जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होने लगती है, उसी को बोलते हैं स्टैग्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सुमंत मुलगांवकर के नाम पर भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया है? तो देखिए, मिस्टर सुमंत नाम अच्छा से पढ़िए, और ये सुमंत जो है टाटा सुमो से मिलता जुलता है, इसी के नाम पर टाटा सुमो इसका नाम कार का रखा गया है। तो मिस्टर सुमंत मुलगांवकर के नाम पर भारत में एक कार का नाम रखा गया है, वो कार का नाम याद रखिएगा टाटा सुमो, सुमो और सुमंत बिल्कुल मिलता जुलता है, इसी के नाम पर टाटा सुमो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन है? जो उत्तरी पूर्वी भारत में है वो ताजे पानी का झील पूछा जा रहा है, तो उसका नाम याद रखिएगा लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भारत में जहाँ पे ताजे पानी का झील है वो है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है अनुच्छेद 324 से 329 में किससे संबंधित है? तो वो 324 से लेकर 329 तक चुनाव के बारे में बताया गया है संविधान में, तो 324 से 329 जो संदर्भित है वो चुनाव के बारे में संबंधित है। और इसके इसी सेट में हम लोग देखा अनुच्छेद 60 किससे है, तो अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ दिलाने के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का अध्ययन, तो भूकंप का ऐसे याद रखना कि भूकंप को मापने वाला यंत्र तो सिस्मोग्राफ है, और सिस्मो से याद रखिए साइमोलॉजी, साइमोलॉजी किसका है, तो भूकंप अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन साइमोलॉजी, और भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ इस सेट का 25 क्वेश्चन। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।